हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 20 दिसंबर तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अपने सभी दोस्तों को और अपने जितने भी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, उनमें जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इसी तरीके से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास हर एक शिफ्ट के एनालिसिस का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। तो मैं यहां पे टारगेट रखता हूं 2K यानी कि 2000 लाइक का। तो प्लीज आप इसे फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए। तो यहां पे बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि कांस्टेबल का तो आज एग्जाम था ही नहीं। तो मैं बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल का ग्रुप ई और एफ का 3 दिन एग्जाम चलेगा, 20, 21 और 23 तारीख को। तो तीनों दिन में मतलब आपका एनालिसिस करता रहूंगा, तो आप वीडियो को देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट और एजम्पशन से आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सिलोगिज्म से मतलब कि कथन निष्कर्ष वाले सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में, सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं, काउंटिंग फिगर वाला भी क्वेश्चन देखने को मिला है, एक क्वेश्चन था काउंटिंग फिगर से, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज के एग्जाम में, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था, आरपीएफ एसआई में आपका क्वेश्चन पूछा गया था बट कांस्टेबल में कोई क्वेश्चन नहीं था, एनोलॉजी में आपका क्वेश्चन था, मिरर इमेज वोटर इमेज से क्वेश्चन था, फिगर काउंटिंग से था, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन था। तो ये तो हो गई आपके टॉपिक की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका वोटर इमेज का, टेबल की वोटर इमेज पूछी गई थी, टेबल आपको दे दिया गया था कि इसकी वोटर इमेज क्या बनेगी। तो मैं आपको सब कुछ ये चीज़ें बता रखी हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है इसको मतलब वोटर इमेज बनाना। मैं बताया था आपको जहाँ पे भी आप मतलब वोटर इमेज होगी तो आपको मान लेना मिरर यहाँ पे रखा है नीचे की साइड में, और जो भी चीज़ मिरर के पास होती है उसको पास में रखना है, जो दूर होती है उसको दूर रखना है। तो मिरर के पास में टी का कौन सा भाग है, ये वाला भाग है, तो इसको मिरर के पास में लेकर आएंगे, और जो टी के जो ये ऊपर वाला डंडा ये दूर है तो इसको दूर रखेंगे। वैसे ही ए का कौन सा भाग, खुला हुआ भाग ए का मिरर के पास में, तो ए का पास में रखेंगे। इसी तरीके से आप पूरा का पूरा बनाइएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। एक आपका एनालॉगी का क्वेश्चन था 14 और ये आपका 9 लिखा था रेशो में, फिर ठीक है ये लिखा था 26 और रेशो में यहाँ आपको बताना था। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है ये, यहाँ पे था जैसे 9 यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लिखा है 9 2 जा कितना होगा 9 दुनिया 18 और -4 कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही किया गया है, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 और 30 में से -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15, तो 15 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके ये अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं है, ABCD के अल्फ़ाबेट ये हैं आपके, इनके नंबर्स याद नहीं है तो सबसे पहले इनको ये याद कर लीजिए। अगर याद नहीं होते हैं तो एक ट्रिक है, ट्रिक भी बहुत आसान है जिसमें आपको कुछ याद भी नहीं रखना है, बस ABCD आपको आती है तो ट्रिक कंप्लीट है। आपको जब भी रफ सीट मिलती है एग्जाम में तो सबसे पहले जाती उसको इस तरीके से लिख लीजिए, उस पर एक कोने में छोटी सी जगह में लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMN। तो यहाँ पे M के नीचे N लेके आना है और N से फिर इस साइड में चलना है, लेफ्ट साइड में, समझ गए आप किस तरीके से लिखनी है ये। इससे आपका क्या होगा, एक तो 1 2 डालेंगे इन पे नंबर याद हो जाएंगे और इनके अपोजिट भी आपको पता चल जाएंगे। तो एक अपोजिट का क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे कैट का लिख दिया गया है XZG, तो बैट का यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि बैट को किस तरीके से कोडिंग किया जाएगा, तो कैट को किस तरीके से किया गया। देखिए, सी का अपोजिट एक्स होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है। अगर आपको इतना पता होता तो बैट का आप 1 सेकंड में कर सकते थे। तो बी का अपोजिट वाई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है और टी का अपोजिट जी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, NTQRTPWN और ZL इस तरीके से लिखा था, सॉरी ये ZL तो आपको बताना ही था। तो इस तरीके से आपकी एक सीरीज थी, तो सीरीज बहुत ही सिंपल है, जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट है, दो दो का पेयर है, इसमें फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसमें रिलेशन चल रहा है +3 का। तो यहाँ पे +3 कर देंगे, +3 कर देंगे, +3 करेंगे, तो यहाँ पे W में +3 करेंगे तो Z हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे चल रहा था सीरीज माइनस की, तो T में से -2 करेंगे R, -2 करेंगे P, -2 करेंगे तो N, और N में से -2 करेंगे तो L आपका हो जाएगा। तो ZL इज़ द राइट आंसर। तो एक सीरीज आपकी ये थी। एक सीरीज यहाँ पे क्वेश्चन था एक वेन डायग्राम से, जिसमें पूछा गया था कमीज, चादर और तौलिया के बीच में रिलेशन। तो देखिए, कमीज, चादर और तौलिया तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, या कोई कमीज चादर हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई चादर तौलिया हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कमीज, चादर और तौलिया ये तीनों अलग अलग हैं, तो इनको अलग सेपरेटली इस तरीके से वेन डायग्राम में आपको शो करना था।
तो ये क्वेश्चन था, ये था एक क्वेश्चन आपका, ये था कि सभी पेन कागज हैं, कुछ कागज ब्लेड हैं, सभी ब्लेड चाकू हैं, सभी ब्लेड चाकू हैं, तो ये तो दो बार रिपीट हो गया, सॉरी। तो जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते रहते हैं दोस्तों, मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत गलती और जो भी रहता है आप उसको थोड़ा सा देख लिया करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, सभी पेन कागज हैं, तो आपने एक पेन का वेन डायग्राम बनाया, उसको ऊपर को एक कागज वाला वेन डायग्राम बना दिया, तो सभी के सभी पेन आपके कागज हो गए हैं। दूसरा है कि कुछ कागज ब्लेड हैं, तो यहाँ पे कुछ कागज में आपने हल्का सा लगाया एक कट सा ये, और कुछ कागज ब्लेड बन गए हैं। फिर यहाँ पे बोला सभी ब्लेड चाकू हैं, तो सभी ब्लेड चाकू किस कंडीशन में हो सकते हैं, जब ब्लेड के ऊपर को आपका एक ये वेन डायग्राम आ जाएगा चाकू वाला, तो ये आपका सभी ब्लेड चाकू हो जाएंगे। निष्कर्ष में क्या क्या था कि कुछ चाकू कागज हैं, तो चाकू और कागज के बीच में तो रिलेशन है भाई, क्योंकि ब्लेड का और ब्लेड का और कागज का रिलेशन है, तो चाकू तो सारे के सारे यहाँ पे ब्लेड को कवर करके बैठे हैं, तो चाकू फिर कागज के साथ में भी आपका रिलेशन रखते हैं, तो कुछ चाकू कागज हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कुछ ब्लेड पेन है, तो पेन और ब्लेड के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, इसका मतलब इसको हम यहाँ पे सही नहीं मान सकते हैं, कुछ ब्लेड पेन है क्योंकि इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया, तो केवल आपका वन निष्कर्ष सही होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों देखिए, बीच में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं शुरू में भूल गया था, ये RPF कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन CBT प्रैक्टिस टेस्ट है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट भी किए थे कि सर जो ये टेस्ट सीरीज है कैसे परचेज करनी है और ये कहाँ से हम परचेज करें, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आती है ना कांस्टेबल का या फिर कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप इस टेस्ट को परचेज कर लेते हैं, ये 20 टेस्ट आपको मिलते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, आप लैपटॉप कंप्यूटर और जो आपका मोबाइल है कहीं पर भी आप इनको दे सकते हैं। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे, इसमें GK के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग मिलेगी, मैथ मिलेगी, और ये 149 रुपीज़ में है। अगर आप टॉपिक स्टडी के मतलब सब्सक्राइबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं SAURABH SPL, और इसको भरते ही आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 120 रुपीज़ में। तो ये 120 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं अगर आप टॉपिक स्टडी के फैमिली मेंबर हैं, सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैथ पे, मैथ की अब बात कर लेते हैं, मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, फिर बात करेंगे जीके की, रीजनिंग के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का टारगेट पूरा कंप्लीट करिएगा। यहाँ पे मैथ है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, नंबर सिस्टम से सिंप्लीफिकेशन CISI का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, और यहाँ पे एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रेन, ये सारे चैप्टर आपके जो हैं। बट हाँ यहाँ पे ये बात है कि DI, टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, इनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छी बात है कि एडवांस मैथ आपके एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है। फिर दूसरी बात यहाँ पे की जाती है मैथ के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन में पहला था टाइम एंड वर्क का कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 28 दिन में कर लेते हैं और ए और बी सी के साथ मिलके इसी काम को 21 दिन में करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 84 क्या आपका टोटल वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब इस 84 को अगर मैं 28 से डिवाइड करता हूँ तो 3 टाइम जाता है, यानी कि ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, और 84 को 21 से डिवाइड करूँ तो ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं, तो सी का कितना यूनिट वर्क आ गया, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो सी का जो यूनिट वर्क आया वो 1 आ गया, तो यानी कि सी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, तो 84 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लगेगा, 84 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 84 डेज ही लेगा ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज में लिखते जाए तो हार्ड लगेगा, अभी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगा होगा, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 800 में बेचने पर उठाई गई हानि की 3 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु पर 1200 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 800 रुपये में बेचने पर उठाई गई हानि के 3 गुना होगा, यानी कि जो 1200 रुपये में बेचने पर आप जो लाभ प्राप्त करते हैं वो हानि, जो 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो उस लाभ का 3 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि उसमें कितने में परचेज किया था। हमने मान लिया उसका क्रय मूल्य है कितना, x अगर उसका क्रय मूल्य है तो आप मुझे ये बताइए, जब उसे लाभ होता होगा तो क्रय मूल्य छोटा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है ना भाई, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस,
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ पे ये आपका विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। अब आप मुझे ये बताइए, जब प्रॉफिट होता है ये वाला सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1200। अगर मैं 1200 में से इस एक्स को माइनस कर दूँ तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट किसके इक्वल है, जो ये हमारा लॉस है ना, लॉस कब होता है, जब हम अपनी कॉस्ट प्राइस में से इस एक्स को माइनस कर देंगे, सॉरी इस 800 को माइनस कर देंगे जितने में हमने बेचा। तो एक्स में से हम 800 को माइनस करेंगे और ये कितने के इक्वल है, 3 गुना जो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। 1200 में से मैंने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया, क्रय मूल्य को माइनस किया, तो जो भी आएगा वो इसके लॉस के 3 गुना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा लॉस है ये एक्स माइनस 800 माइनस करती है, हमारा लॉस आएगा, लॉस में मल्टीप्लाई हम 3 की करेंगे। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन के तैयार हो गई है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको इसको सोल्व करना है बस। 1200 को इधर लीजिए उठा के, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 3x है तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 2400 प्लस 1200। तो x बराबर कितना होगा 3600 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 900 मिल जाती है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 900 रुपये था। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। यहाँ पे किसी वस्तु की अगर 10% की कमी कर दी जाती है तो उसे पुराने मूल्य पर लाने में कितनी कीमत की वृद्धि करनी होगी। तो मैंने माना उसका मूल्य 100 होगा, अगर 10% की कमी की जाती है तो मैं 100 में से 10 माइनस कर दूंगा सीधा सीधा। आप ये 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की माइनस की यानी कि 90 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो 10 डिवाइड बाय 90 कर देंगे और हम मुझे 100% बनाना है उसको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी। 100 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा, 11 से ही 1/9, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, और मतलब जो सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे, अगर आपने मेरी सारी प्लेलिस्ट चेक कर रखी है ना, तो ये आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। मैं अभी भी जितनी भी आपकी पुरानी वीडियोज़ हैं, जितने भी ग्रुप डी के पेपर एनालिसिस हैं, और जितनी भी आपकी RPF के पेपर एनालिसिस है, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 550 पर 30% के एकल बटा तथा उसी राशि पर 20 और 10 के दो कार्मिक बटों में कितना अंतर है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है 550 रुपये पर आपको 130% का एक डिस्काउंट देना है, और उसी 550 पर 20 और 10 10 के मतलब 10 के 20 और 10 के दो डिस्काउंट देने हैं, तो इनका अंतर बताना है। जो 30% का डिस्काउंट दोगे और जो 20 और 10 का अलग अलग डिस्काउंट दोगे, तो कितना अंतर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो मुझे पता चलेगा 30% है, तो एक को मैं इन दोनों को प्लस करके मतलब इनको 1% में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि कितना परसेंटेज ये बनेगा। तो आप सभी जानते हैं इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, सभी जानते हैं ना आप इसको। तो इसमें हम रख लेंगे 20 प्लस 10 यानी कि 20 प्लस 10 और प्लस 20 इंटू 10 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, और 30 प्लस 2 तो 32% हो जाएगा। यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है किसका, 30 और 32% का। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए, 2% का है, तो डायरेक्ट 550 का यहाँ पे बस 2% निकालिए। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी कि इसका पहले 30% निकालेंगे और फिर 550 का 20 और 10% निकालेंगे, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी आप डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना है, 2%, तो 550 का 2% निकालिए, 11 रुपये आएगा, यही इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे बता दीजिएगा, शायद मुझे लग रहा है आज स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा 75 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कितने समय में पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करा चुका हूँ, बस डिजिट चेंज है। यहाँ पे आपको क्या करना था, 50 मीटर की रेलगाड़ी जो है लंबी रेलगाड़ी वो 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए कि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, और ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इनका डिफरेंस हमें लेना है। क्यों लेना है डिफरेंस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन मूव करती हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो तब हम उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। जब एक दूसरे की तरफ को चलते हैं तो दोनों की डिफरेंस को हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 और अपॉन में क्या करना है, S1 माइनस S2।
तो LN2 कितना हो जाएगा 50 और 75, 50 प्लस 75, और S1 और S2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना 18। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मुझे बदलना है सबसे पहले मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी चाल। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड कर देना है इन दोनों की ट्रेन का सम से, तो कितना होगा 125 को 5 से भाग करेंगे तो 25 सेकंड में पार कर जाएगी, यानी कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी इस धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 25 सेकंड में पार कर देगी, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, रीजनिंग हमने देख ही ली है, चलते हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस पे। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जीके के कुछ, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है FIV1 रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये किस खेल से संबंधित है, ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी यहाँ पे पूछी गई, तो ढाका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, ये नई दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जेपी नड्डा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। सीएम ऑफ हरियाणा, तो ये मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बीजेपी से ये हैं, यानी कि बीजेपी की पार्टी वहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन है कुछ जो मैं इससे पहली शिफ्ट में कराए थे, अगर आपने इससे पहली शिफ्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पिन में मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, बार बार ब्लिंक कर रहा होगा एक लिंक, तो उससे जाके आप देख सकते हैं, यानी कि इससे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के एंड में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाते हैं, राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ऊबर कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से है। सिंबल ऑफ पोटेशियम के हो जाएगा, करेंसी ऑफ रशिया रशियन रूबल हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत कम मिल पाते हैं क्योंकि बच्चे भेजते ही नहीं हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत हो रही है। ठीक है, कैपिटल ऑफ मणिपुर इम्फाल हो जाएगी। डेविड बेकम किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल हो जाएगा। स्टडी ऑफ स्नेक्स क्या होता है, देखिए पेंटेलोजो हो जाएगा यहाँ पे, ये दोबारा से देख लीजिएगा आप एक बार सर्च करके, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर मैं इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे, वो इरेज कर दिया जो यहाँ पे था, तो एक बार आप चेक करिएगा क्या राइट आंसर है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनमें से कौन सी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से कर पाएंगे। फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हो चुका है। राजेंद्र गोहन किस स्टेट से MP हैं, ये आसाम से है। हुमायूं का मकबरा हो चुका है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, ये आपका 46 हो जाएगा। रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं। कैपिटल ऑफ मणिपुर, ये तो हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये टॉपिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल, कैपिटल, करेंसी, पॉलिटी, ह्यूमन बॉडी, बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट और स्टेटिक जीके, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे एक छोटा सा मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर का जो बटन है यहाँ पे उससे दबा के जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो RPF की SI या कॉन्स्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं सबको शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।